जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको सुनकर सबकी रूह कांप जाती है, उसी भीड़ में से बचा एक भारत माता का पुत्र जिसने कुछ सालों बाद इस घटना के जिम्मेदार शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। तो आइयो मैं बात कर रहा हूँ उस भीड़ में से बचने के लिए लोगों में से एक उधम सिंह की। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा घायल हुए थे। इसको पता था कि ये बदला आगे चलकर उधम सिंह लेंगे, लेकिन दोस्तों उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा जिसने भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। उसकी मृत्यु तो 1927 में ही हो गई थी। उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर तैनात मिचेल और डायर को मारा था, जिसने जनरल डायर को भीड़ पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था। बस इसी जलती ज्वाला ने उधम सिंह को इंग्लैंड पहुँचा दिया, जहाँ 13 मार्च 1940 को एयर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मीटिंग में स्पीच देने के लिए मिचेल और डायर शरीक होने वाले थे। और उसी वक्त उधम सिंह ने अपनी बंदूक की 6 गोलियां मिचेल और डायर के शरीर में उतार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उधम सिंह की इस बहादुरी के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताना।